अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आप सब लोगों को आज का बहुत मुबारक दिन मुबारक हो। आज हमारे मौला की पैदाइश है, हमारे पहले इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, उनकी विलादत है। खाने काबा में उनकी विलादत हुई थी। उनकी वालदा का नाम फातिमा बिनते असद है। और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन हम लोग खीर बनाते हैं, तो आज मैं खीर बना रही हूँ। ये मैंने 2 किलो दूध लिया है, तो इसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने बना ली है, तकरीबन हो गई है, अब ये गाढ़ी हो रही है। इसमें मैंने 2 किलो दूध लिया है। दूध में मैंने इसके बाद इसमें तकरीबन आधा 1 किलो चीनी डाली है। 2 किलो दूध में 1 किलो, और जितना जितनी आपने मीठा मिठास रखनी होते हैं। आप कम जब खाते हैं तो कम डाल दें, हम लोग नॉर्मल मीठा खाते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते। तो मैंने एक, वैसे आज के दिन तो चलता है जितना मीठा हो वो कम है। तो आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो मौला अली की विलादत। और आज हम लोग ये सफ़ेद रंग की खीर बनाते हैं। इसमें मैंने बादाम डाले हुए हैं 2 किलो दूध में, और इसमें मैंने तकरीबन 1 प्याली के करीब राइस लिए थे। उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद उसको मैंने धो लिए थे अच्छी तरह से, उसका पानी निकाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए थे। इसमें बॉयल भी होता गया, साथ साथ पकते भी गए। और इसमें मैंने तकरीबन इसके जो ये मेरा है, इसके मैंने 4 भर भर के स्कूप जो है, बड़ा वाला जो चलाने वाला चमचा है खाना पकाने वाला, भर भर के मैंने चीनी डाली है। अब आप अंदाज़ा कर लें कितनी होगी। वो तकरीबन आधा किलो या पौना किलो चीनी मैंने डाली है इसके अंदर। और अभी तकरीबन गाढ़ी हो रही है, जब ये गाढ़ी हो जाएगी इसके अंदर फिर मैं डाल दूँगी आखिर में केवड़ा। मैंने ऊपर से इसमें बादाम मैंने कट किए हुए ले थे। ये इसको हम कहते हैं जो कट हुए हुए जो बादाम आते हैं, ये मैंने लिए थे। बादाम की खाशे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तो कटिंग वाले बादाम मैंने लिए थे। और इसको मैंने तकरीबन आधे बादाम इस पर डाल दिए हैं कि इसमें बादाम का एरोमा आ जाएगा और मज़ेदार सी खीर तैयार हो जाएगी। राइस इसको गाढ़ा करता है और इसको थिक बनाता है, और इसमें खीर की कंसिस्टेंसी आती है। इसके अलावा चीनी से मिठास पैदा होती है, और बादाम, और इसके अलावा पिस्ते, आप जो भी डालें मेवा, उसमें ज़रा सा मज़ा आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। मैंने इसमें बादाम ऐड किए हैं बहुत सारे, और ऊपर से भी गार्निश। जब ये पक जाएगी तो इसमें एक टेस्ट आ जाएगा अरोमा बादामों का, सब अर्क वगैरह और सब इसमें मज़ा आ जाएगा, टेस्टी यमी सी हो जाएगी। उसके बाद पीस के भी आप डाल सकते हैं, मैंने साबुत डाले हैं कटे हुए बादाम जो होते हैं। और अब इसके जो है, जब ये तैयार हो जाएगी, इसको मैं जब मैं बोल में निकालूंगी तो मैं ऊपर से और इसमें इसको सजाऊंगी। इसके ऊपर मैं केवड़ा डालूंगी, केवड़ा तो कोई सा भी आप डाल सकते हैं, रोह केवड़ा होता है वो आप डालेंगे खुशबू के लिए। उसके बाद फिर मर्जी नहीं, कोई पसंद करता तो ना डाले, थोड़ा सा केवड़ा डालूंगी। केवड़ा डाल के फिर इसमें मैं मौला अली को नज़र दिलाऊँगी, हदिया करूँगी, मौला हमारी नज़र को कबूल करें। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और प्लीज़ 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 आज तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दें, और बेल नोटिफिकेशंस पे आपने उस पर ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि आपको फिर नेक्स्ट वीडियोस जो अपलोड होती रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। और वीडियोस को मेरे लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ठीक है। चलें मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो हो गई है। आज मैंने आपको मीठा, मैं आपसे कल ही कह रही थी कि मैं मीठा कुछ ना कुछ बनाऊँगी, तो मैंने देखे शाही टुकड़े तो नहीं, कस्टर्ड तो नहीं, लेकिन आप आज तो बहुत ज़बरदस्त सुपर किस्म का मीठा बनाया। आज मौला अली की पैदाइश भी है हमारे पहले इमाम की, और आज का मुबारक दिन भी है, 13 रजब भी है, और हम खीर बना रहे हैं। तो ये खीर का मीठे से हमारी पैदा हो गई, मेरी पहली डिश है ये जो मैंने मीठे की बनाई है अपने चैनल पर। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और मुझे बताइएगा कमेंट में आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ये तकरीबन आधी थिक हो चुकी है, अभी मैं इसको और थिक करूँगी। जब थिक हो जाएगी अच्छी तरह तो फिर इसको मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। जब इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी तो फिर ये जो खीर है ये ठंडी होकर भी थोड़ी गाढ़ी होती है। अभी मैं थोड़ा सा और पकाऊँगी इसको 5 to 10 मिनट्स, उसके बाद इसको मैं फिर इसमें केवड़ा डालूँगी और इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी, उसको सजाऊँगी। फिर उसके बाद बोल में निकाल के इसमें मैं जो बाकी जो बादाम की खाशें हैं वो इसमें डाल दूँगी, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।